इस वीडियो का उद्देश्य ट्रेनिंग के दौरान सही प्रश्न पूछने की कला की बारीकियों को समझना है। सिम्मी और सीरियस, कुछ तो बात है। नहीं, सब ठीक है ना? हाँ। ज्योति आ गई है क्या? हाँ। क्या हुआ सिम्मी, आ तो सारे सवालों का जवाब हाँ या फिर ना में ही क्यों दे रही हो? अब तुम सवाल ही ऐसे कर रहे हो तो मैं जवाब कैसे दूँ? सही तो बोल रही है सिमी। दरअसल सवाल पूछना एक कला है। जब सवाल सही से पूछेंगे तभी जवाब भी सही से मिलेगा। क्लोज एंडेड सवाल अर्थात बंद सवालों का जवाब तो तुम्हें हाँ या ना में ही मिलेगा। अगर जवाब विस्तार से चाहते हो तो खुले सवाल यानी ओपन एंडेड पूछने चाहिए। अब समझा, सिमी ने कल के ट्रेनिंग का अभ्यास आज मेरे ही साथ कर लिया। वो कैसे? कल की हमारी ट्रेनिंग सवाल पूछने की कला पर ही तो है। तो चलो आज इसी पर और विस्तार से हम लोग सभी बात करते हैं। सवाल खुले और बंद दो तरह के होते हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन प्रश्न पूछना या सही सवाल पूछना क्यों जरूरी है? प्रश्न पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रश्न पूछने से आपकी जानकारी बढ़ती है। सही प्रश्न पूछने से हमारी समस्याओं का समाधान होता है और एक सही दिशा मिलती है। प्रश्न हमारी सोचने की शक्ति को भी सही दिशा देता है और बातचीत को दिलचस्प बनाए रखता है। साथ ही जो लोग कम बोलते हैं उन्हें भी प्रश्न पूछकर चर्चा में जोड़ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्रश्न पूछने की सही कला क्या है? मुझे लगता है कि प्रश्न स्पष्ट और छोटे होने चाहिए ताकि जवाब देने वालों को उसे समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। हमें हमेशा खुले प्रश्न पूछना चाहिए ताकि जवाब हमें विस्तार से मिले। सही कहा सिम्मी, सवाल पूछते समय हमें कब, कैसे, कहां, कौन, क्यों और क्या को ध्यान में रखकर अपने सवालों को तैयार करना चाहिए। साथ ही जब कोई आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हो तो उसे धैर्य के साथ सुनना चाहिए ताकि उससे जुड़े अपने दूसरे प्रश्नों को भी पूछ सके। यही तो एक अच्छे ट्रेनर का गुण होता है। इसीलिए मैं अपने ट्रेनिंग में 30% समय बोलने के लिए रखती हूँ और बाकी का 70% समय प्रतिभागियों से प्रश्न पूछकर उनके विचार सुनती हूँ। सच में मैंने देखा है सुगंधा सवाल पूछकर सबका ध्यान बांधे रखती है। तभी तो कहते हैं कि सवाल पूछना भी एक कला है जिसकी तैयारी होनी चाहिए। एक अच्छा प्रश्न आपके विचार को और गहरा करने का माध्यम हो सकता है और सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकता है। बड़े प्रश्न अक्सर बोरिंग हो जाते हैं, इसलिए हमेशा छोटे छोटे और सही सवाल पूछने चाहिए ताकि उसका जवाब सटीक आए। साथ ही हमें सवालों को बातचीत के हिस्से के रूप में प्रयोग करना चाहिए जिसमें प्रतिभागियों की रुचि बनी रहती है। और आपके सवाल ऐसे होने चाहिए जिसमें महिला और पुरुष दोनों के विचार और अनुभव आपके पास आ सकें, क्योंकि अक्सर महिलाएं समूह में अपनी बात रखने में झिझकती हैं। सवाल पूछते समय हमारे शारीरिक हाव भाव या फिर उसके शब्द ऐसे नहीं होने चाहिए जिसे लेकर वो थोड़ा भी असहज हों या फिर उन्हें जवाब देने में कोई भी परेशानी आए। इसका मतलब आप सही सवाल पूछकर अपने ट्रेनिंग को दिलचस्प और जानकारी से भरपूर बना सकते हैं जिसमें प्रतिभागी भी खुलकर आपका साथ देंगे। आइए विचार करें, किसी भी बातचीत को सही समाधान तक पहुंचाने के लिए हमें किस तरह के सवालों या प्रश्नों को पूछना चाहिए।